बीजेपी नेता खुद को मोदी का परिवार बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने मोदी के परिवार का दांव खेला है और विपक्षी दलों को परिवारवादी बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के इस दांव की हवा निकालने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ऐलान कर रहे हैं कि लड़ाई परिवार वालों से है। एक तरफ मोदी का परिवार है, पीएम सभी 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन इसमें विपक्ष के नेताओं को शायद अलग रखे हुए हैं, क्योंकि विपक्षी नेताओं को वो परिवारवादी बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और बीजेपी के इस दांव पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया पीएम मोदी का असली परिवार क्या है। रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव चुनाव नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच की लड़ाई है। हम देखेंगे कि इस चुनाव में पीएम मोदी का परिवार जीतता है या हमारा परिवार। हम पीएम मोदी के परिवार के खिलाफ लड़ेंगे। हम उनके परिवार जिनमें ईवीएम, ईडी, आईटी और सीबीआई शामिल है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये लड़ाई गांधी परिवार और पीएम मोदी के परिवार के बीच की लड़ाई है। सीएम रेड्डी ने कहा कि इन दो परिवारों में एक परिवार है पीएम मोदी का और दूसरा परिवार है गांधी का। मोदी के परिवार में ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। वहीं हमारे परिवार में देश के लिए जान देने वाले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शामिल हैं। तो पीएम की कुर्सी का त्याग करने वाली सोनिया गांधी हैं। लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता हमारा परिवार है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। मोदी के परिवार को तेलंगाना की जनता बुरी मात देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।